नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। 11th क्लास के विद्यार्थियों, अभी हमने जो पिछला चैप्टर कवर किया उसमें आपकी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी जिसके आधार पर आपका बेस बनना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वो सारे के सारे टर्म्स याद कर ली होंगी और वो आपको समझ भी आ गई होंगी। यदि कोई विद्यार्थी उन्हें नहीं देख पाया तो उन्हें ध्यान से देख ले और दोबारा उन वीडियोस को देखकर उसकी समझ बना ले। आज जो हम शुरू करने वाले हैं, आप सभी को पता है अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें आपको मैथ्स की तरह क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। आज जो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर आपके सामने लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसमें आपको क्वेश्चंस निकालने होंगे। लेकिन क्वेश्चंस वही बच्चा निकाल पाएगा जिनको बेसिक टर्म्स की समझ है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको बेसिक टर्म्स की समझ नहीं है तो आप एक बार पिछली वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। आज का लेक्चर फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, आप सभी ने इक्वेशंस तो सोल्व की होंगी, इक्वेशंस तो सोल्व की होगी, जैसे 2x + 4y = z। इस तरह से आपने मैथमेटिकल बहुत सारे इक्वेशंस जो है सोल्व किए। ऐसे ही हमारे अकाउंट्स में भी एक इक्वेशन होती है जो हमेशा पूर्ण व्यवस्था में रहती है, हमेशा इक्वल रहती है, जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बनी रहती है। इस चैप्टर में विभिन्न ट्रांजेक्शन से आपको यही प्रूव करना है कि क्या वो इक्वेशन हर सिचुएशन में इक्वल रहती है। उस इक्वेशन को आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन और कुछ नहीं, जो हमने असेट्स पढ़ी उनका जोड़ किसके बराबर रहेगा? हमेशा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर। याद रखना, कैपिटल भी मैंने आपको इंटरनल लाइबिलिटी बताई थी, यानी कि जो पैसा व्यवसायी बिजनेस में लगाता है वो भी एक तरह की लाइबिलिटी होती है, लेकिन वो अपने ही मालिक को देनी होती है, इसलिए इंटरनल लाइबिलिटी है, इसलिए इसको कैपिटल या ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि बिजनेस में आया जो पैसा था वो सारा का सारा प्लस जो आपने अदर पर्सन से कर्जा लिया किसके इक्वल हो जाएगा? बिजनेस में जो असेट्स मौजूद हैं उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आज इसी इक्वेशन को हमने प्रूव करना है कि क्या यह हमेशा इक्वल रहती है। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज रिमेन्स ऑलवेज इक्वल। ठीक है, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स ऑलवेज इक्वल, हमें यह प्रूव करना होता है। ठीक है, समझ में आई बात? असेट्स किसके इक्वल रहेंगी? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स आप समझते हो, दो तरह के असेट्स मैंने आपको बताई थी, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। ठीक है, और लाइबिलिटीज भी इसी तरह से दो थी, एक करंट लाइबिलिटीज एक नॉन करंट लाइबिलिटीज, और तीसरी कैपिटल आप सभी जानते हो जो पैसा बिजनेस ने फर्म में लगाया था वो कैपिटल कहलाता है। आइए, क्वेश्चन करने से पहले क्या देखते हैं कि क्या वाक्य में ऐसा होता है। सुपोज करें यह एक ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप जहां पर आपको सामान मिलता है,
यह शोक किसी व्यक्ति राहुल की है, यह शोक किसी व्यक्ति राहुल की है। राहुल ने इस शोक में 1,00,000 रुपए लगा रखे हैं, ठीक है। राहुल ने क्या लगा रखे हैं, 1,00,000 रुपए इस शोक में लगाए। तो इस 1,00,000 से क्या होगा, इस 1,00,000 से होने वाला क्या है, ये 1,00,000 रुपए जो उसने शोक में लगाए ये आपकी कैपिटल है, ये 1,00,000 रुपए आपकी क्या हो गई, कैपिटल हो गई, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह का व्यवसाय को के मालिक को दिया जाने वाला कर्जा है जो वापस चुकाना है व्यवसाय ने राहुल का। दोनों चीजों को अलग अलग ट्रीट करेंगे, बिजनेस अलग है, बिजनेस का मालिक अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों कुछ लेन देन करते हैं तो उसको भी आपने कंसिडर करना है, ठीक हो गई बात। अब इस साइड तो 1,00,000 रुपए कैपिटल आ गई, अब दुकान के जो गल्ला है उसमें 1,00,000 रुपए भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कैश है, और कैश हमारी क्या है, असेट है, कैश हमारी क्या है, असेट है। तो कैश कितना हो गया 1,00,000, कैपिटल कितनी हो गई 1,00,000, यानी कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज यहां पर प्रूव हो गया। अब एक दो एग्जांपल और लेता हूं, मान लीजिए ये राहुल दुकान का जो मालिक है वो अगले दिन 30,000 रुपए का सामान खरीद लाता है, ठीक है, परचेज कर लेता है। तो जब 30,000 रुपए की परचेज करेगा तो कैश इसके पास था 1,00,000, ठीक है, जो कि असेट्स के अंदर है, लाइबिलिटीज अभी तक कुछ थी नहीं, कैपिटल उसने जो लगाई वो कितनी थी, 1,00,000 रुपए, ठीक है, यानी कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज है। अब उसने क्या किया, 30,000 रुपए का सामान खरीदा, गुड्स परचेज की, गुड्स परचेज की, जब गुड्स परचेज की आपने तो 30,000 रुपए कैश आपके पास से चला गया, और आपके पास जो चीज आई वो क्या आया, गुड्स आ गई या स्टॉक आ गया, वस्तुएं अब आपके दुकान में, यानी कि यहां से इस गल्लत से आपके 30,000 चले गए 70,000, और आपके दुकान में क्या आ गई, 30,000 रुपए की वस्तुएं आ गई जो आपने अपनी दुकान में क्या किया, रख लिया, ठीक हो गई बात। अभी भी हमारी इक्वेशन क्या है, 70,000 रुपए कैश बच गया, 30,000 रुपए की आपकी गुड्स हो गई, लाइबिलिटीज जीरो है, कैपिटल कितना है 1,00,000, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल और लेते हैं, अब मैं कहता हूं उधार पर, उधार पर क्या किया, 20,000 रुपए का सामान खरीद लिया, ठीक है, उधार पर क्या किया, 20,000 रुपए का सामान खरीद लिया, तो 20,000 रुपए का सामान आ गया हमारे पास, और ये 30,000 का सामान था, ये 20,000 रुपए का सामान आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 20,000 रुपए ऐड कर देते हैं सामान में, और लाइबिलिटीज कर्जा बढ़ गया हमारा, हमने सामान खरीदा था जिससे जिससे हम उधार पर सामान खरीदते हैं उसे क्रेडिटर बोलते हैं, वो 20,000 रुपए के हमारे बढ़ गए। तो अब नई इक्वेशन जो आई कितना हो गया, 70+30 का पहले सामान था, 20 का अब हो गया 50, 70 और 50 = 120, और इधर कितना आ गया, 1,00,000 कैपिटल के और 20,000 रुपए क्रेडिटर्स के 120। तो हमने 3-4 ट्रांजेक्शन को यहां पर किया और वो हमेशा क्या मिली, इक्वल मिली, हमेशा क्या मिली, इक्वल मिली। तो इसको
प्रूव करने का ही आपको क्वेश्चन आएगा। और फिर उसके बाद एक बैलेंस शीट होती है, वो क्या होती है, कैसे बनेगी, हम पहले सवाल में करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन और आपकी कॉमर्स विषय का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आप पहला प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, इसने कहा कि गोपाल स्टार्टेड अ बिजनेस। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपने क्या करना है, सिंपली अपनी कॉपी पर हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लेनी है तीन, ठीक है। इसमें 1/4 पार्ट इस साइड पर्टिकुलर्स के लिए रख दे, फिर यहां पर आपकी असेट्स आएंगी और इस तरफ आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आएगी, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आएगी। असेट्स कैश हर बिजनेस में मिलेगा पहले लिख लें, स्टॉक या गुड्स पहले ही लिख लें क्योंकि इसके बिना भी काम नहीं चलने वाला, फर्नीचर के बिना भी नहीं चलता, अप्रोक्सीमेटली आप फर्नीचर भी लिख लें और डेटर्स, ये चार असेट्स आप साथ साथ लिखकर चलेंगे। लायबिलिटीज में आप क्रेडिटर्स लिख सकते हैं और कैपिटल आपकी कैपिटल होती ही है। ध्यान दे यहां पर स्टार्टिंग कैसे करनी है, कैश स्टॉक फर्नीचर डेटर ये चारों असेट्स आप पहले से स्टार्ट कर ले, लिख ले, कंटिन्यू करें इसके साथ, और लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स कैपिटल आपकी कैपिटल है ही, उसमें कोई दोहराए नहीं। उसके बाद पहले ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट, कई बार डेट दी होती है, कई बार ट्रांजेक्शन नंबर दिया होता है, तो आपको इस सवाल में नंबर है तो आपने लिखना है कि क्या ट्रांजेक्शन हुई। गोपाल ने 75,000 रुपए कैपिटल लगाकर बिजनेस शुरू किया, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 75,000, 75,000 रुपए लगाए और बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस में क्या आया भाई, जो गोपाल ने लगाए 75,000 रुपए की क्या आ गई, आपकी कैपिटल आ गई और 75,000 रुपए का क्या हो गया, आपका कैश इंक्रीज हो गया, ठीक है। 75,000 रुपए का आपका क्या हो गया, कैश इंक्रीज हो गया, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। अब जैसे ही ये लिखा क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस नहीं सॉरी लाइन खींच दीजिए, उसके बाद यहां लिखिए इक्वेशन, इक्वेशन बनाइए 75,000, स्टॉक में जीरो था तो यहां लिखे जीरो, फर्नीचर में जीरो था तो यहां लिखे जीरो, डेटर्स में जीरो था तो यहां भी लिखे जीरो, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स में जीरो था लिखे, और 75,000 क्या थी, कैपिटल थी, ठीक है। ये सवाल आपने इस तरह से स्टार्ट करना है। उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन में कहता है कि गुड्स परचेज की कैश, ठीक है सॉरी, सेकेंड ट्रांजेक्शन जो थी वो ये थी कि गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स नहीं परचेज की, यहां पर क्या किया है, फर्नीचर किया, ध्यान देना क्या परचेज किया है, फर्नीचर, फर्नीचर परचेज फॉर कैश रुपीज 5,000, 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब दुकान में जब खरीदा है तो 5,000 रुपए का फर्नीचर आ जाएगा, कैश खरीदा है तो 5,000 रुपए कैश जिससे फर्नीचर खरीदा उसके पास चले जाएंगे। यहां पर ट्रांजेक्शन नंबर लिख देंगे सेकंड, और क्या लिखेंगे, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, फर्नीचर परचेज फॉर कैश
5000 यहां से माइनस, 5000 यहां प्लस, यहां क्या लिख देंगे अब न्यू इक्वेशन। 5000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया, कैश रह गया आपका 70000 प्लस 0 प्लस 5000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 75000। ठीक हो गई बात, हर स्टेप पे मैच कर ले एक बार कि आपकी इक्वेशन इक्वल है या नहीं है, ताकि कोई गलती होने के चांस खत्म हो जाए। 70 प्लस 5 इज इक्वल टू 75, थर्ड इक्वेशन आ गई आपकी। तीसरी ट्रांजेक्शन क्या है, गोपाल परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 20000। अब की बार उसने क्या किया, गुड्स खरीदी है। गोपाल परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, नकद वस्तुएं खरीदी, गुड्स परचेज फॉर ए कैश खरीदी। कितने रुपए की गुड्स खरीदी है उसने, ये देखना पड़ेगा। उसने खरीदी है गुड्स आपकी 20000 रुपए की। कितने की खरीदी है, 20000 की। तो 20000 रुपए की कैश खरीदी है, तो कैश चला गया 20000, तो गुड्स आ गई आपकी 20000 रुपए प्लस कर दो। हमारे पास से गया कैश माइनस, हमारे पास आई गुड्स 20000 प्लस कर दो। ठीक होगी बात, और कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो न्यू इक्वेशन फिर से लिख दो, यहां 70 माइनस 20 कितना हो गया, 50000 प्लस 20000 प्लस 5000 इज इक्वल टू सॉरी प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 75000। याद रखने की बात है कि फिर से मैच करना है, बी 50 और बी 70 और 5 75 इज इक्वल टू 75, 75000। फोर्थ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या है, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 16000। गोपाल ने परचेज की गुड्स, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अब की बार किसमें किया, उधार पर, फॉर 16000, 16000 रुपए की गुड्स जो है उधार पर उसने क्या की, परचेज कर ली, खरीद ली। तो 16000 रुपए की गुड्स खरीदी है, तो गुड्स आ जाएगी 16000 की, जो चीज खरीदी वो तो बिजनेस में आएगी। लेकिन कैश नहीं गया इस बार, इस बार यहां से माइनस नहीं होगा। क्या हुआ, हमारे पास क्रेडिटर्स आ गए, जिससे माल उधार खरीदते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया, ठीक हो गई बात। 16000 रुपए आ गया, हो गया प्लस, यानी कि 16000 का माल आ गया और 16000 हमारी क्या आ गई, लायबिलिटी भी बढ़ गई। न्यू इक्वेशन 50 प्लस 36000 प्लस 5000 प्लस 0 इज इक्वल टू 16000 प्लस 75000, कितना हो गया, 50 और 36 86000, 86 और 5 91, 16 और 75 कितना हो गया, 91। याद रखना है, हर स्टेप पे मैच करते जाओगे तो सवाल गलत होने के चांसेस उतने ही कम बनते चले जाएंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 5, अब ये ट्रांजेक्शन क्या है कि 12000 रुपए के मूल्य की वस्तु 15000 रुपए में बेच दी, ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15000, उधार पर कॉस्ट कितनी थी वस्तु की 12000, सेल कितने में की 15000 में, प्रॉफिट कितना हो गया 3000। जो वस्तु बेचोगे उस पे प्रॉफिट तो चाहिए ना, उस पे अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बेचने का फायदा नहीं है। तो इसलिए ये देखना है ध्यान से कि वस्तु सबसे पहली चीज जो देखनी है, उधार बेची है या नगद बेची है। तो उसने कहा उधार बेची है, यहां पर अगर उधार बेची है तो देनदार हमारा वो देनदार बन गया, डेटर बन गया, उससे 15000 रुपए अब लेने हैं, तो 15000 रुपए यहां प्लस करेंगे डेटर्स में। अगर नगद बेचते तो 15000 रुपए कैश में प्लस करते। अभी हमने उधार बेची है तो किसमें प्लस कर दिए, डेटर्स में।
उसके बाद सामान कितने का गया हमारी दुकान से, कितने का खरीदा हुआ था ये सामान, 12,000 रुपए का माइनस कर देंगे क्योंकि सामान रहा नहीं, वो चला गया हमारे पास से, और 3,000 रुपए जो प्रॉफिट हुआ वो कहां ऐड करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। 3,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ वो कहां ऐड कर देंगे, कैपिटल में। यहां लिख देंगे गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट, उधार पर। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 6 क्या कहती है, 1,000 रुपए का रेंट दिया, 6 ट्रांजेक्शन रेंट पेड, ये न्यू इक्वेशन बनाएंगे पहले, न्यू इक्वेशन क्या है, 50,000 प्लस 36 माइनस 12 24,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 16,000 प्लस 78,000, 75 और 3 78 78 और 6 84 10 94। अब यहां देखो 94 बनते हैं हमारे, 15 और 5 20 और 50 70 और 24 94, इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसके बाद 6 रेंट पेड फॉर 1,000, रेंट पेड 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए का रेंट पे कर दिया भाई, 1,000 रुपए किराएदार जिसकी दुकान थी उसको दे दिए, 1,000 रुपए हमारे पास से गए माइनस, आया क्या, कोई असेट नहीं आई, ठीक है, क्या किया, केवल खर्चा है, और इसको कहां से माइनस कर देंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। रेंट सैलरी कमीशन अगर पेड है तो कैश में से घटेगा और कैपिटल में से, क्योंकि उससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है। तो जब लास्ट आ जाए, लास्ट एंट्री, तो न्यू इक्वेशन की जगह क्या लिखना है, फाइनल इक्वेशन, याद रखने की बात है, न्यू इक्वेशन की जगह क्या लिखना है, फाइनल इक्वेशन, 50 माइनस 1 49,000 प्लस 24,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 16,000 प्लस 77। मैच जरूर कर लेंगे फाइनल, कई बार उतारने में लिखने में गलती हो जाती है तो पकड़ में आ जाएगी, क्या 49 और 5 54 54 और 4 58 78 78 और 5 83 93, इधर क्या आ जाएगा 70 और 16 93 आ जाएगा, दोनों साइड हमारी क्या है, इक्वल, ठीक है, ये इक्वल ही हमने क्या करनी है, रखनी है। अब साथ में क्या बनाना होता है, इसके बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, साथ में क्या प्रिपेयर करना होता है, बैलेंस शीट इसमें क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो और देख लो, बैलेंस शीट बनाने के लिए बहुत आसान है, बीच में से मिटाऊंगा मैं आपको ताकि आपको पता लग जाए कैसे बनानी है, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, बीच में से मिटा देता हूं, नीचे वाली चीज भी हमारी जरूरत है और ऊपर वाली भी, ठीक है। तो बैलेंस शीट लिखेंगे, यहां लिखेंगे एज एट, जिस दिन बैलेंस शीट बनाते हैं वो दिन लिखेंगे, नॉर्मली साल के लास्ट में बनाते हैं, तो मैं यहां एज एट 31 मार्च 2020 लिख रहा हूं, ठीक है। नॉर्मली क्या बनाते हैं, वर्ष के अंत में बनाते हैं, इसलिए उसके ऊपर ये लिख दिया, वरना आप जिस दिन आप बना रहे हो उस दिन लिख लें। ये जो आपकी साइड होगी ये होगी असेट साइड, ध्यान रखना ये वाली जो साइड है ये आपकी असेट साइड होगी, और इस साइड वाली लायबिलिटीज, जिस साइड लायबिलिटीज थी वो इधर आ गई है और जो असेट्स थी वो उस तरफ चली गई है, इस तरह भी याद आप रख लेंगे, ठीक है बात। तो क्या क्या असेट्स थी, कैश था आपका कितना 49,000, स्टॉक था 24,000, फर्नीचर था 5,000, फर्नीचर था कितना 5,000, डेटर्स थे 15,000 के, डेटर्स कितने थे 15,000। अब आ जाओ लाइफ टीज,
क्रेडिटर्स कितने थे 16,000 के और कैपिटल कितनी थी लास्ट में 77,000। टोटल करो दोनों इक्वल आना चाहिए, टोटल कितना आ जाएगा 93,000। ये आपका सम था पहला, ठीक है। आज आपने दो सम ट्राई करने हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिकल देखिए। ये बुक है, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाता है लास्ट में तो अनसोल्व क्वेश्चन मिलते हैं। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उसमें पहला और दूसरा दो क्वेश्चन है, ये आपने ट्राई करने हैं। दूसरे के दो पार्ट हैं, ठीक है, तो आपने एक पार्ट कर लेना है या दोनों कर लो तो और अच्छी बात है। ग्रुप में मेरे से क्वेश्चन भी पूछ ले। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है इसकी मैं फोटो खींच के आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, तो आप वो भी ले वहां से सोल्व कर ले अपनी फेयर कॉपी पे। अगर कोई स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो ग्रुप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। उसके पास बुक नहीं है तो उसको भी फोटो भेज दी जाएगी और वो अपना काम शुरू कर सकता है, ठीक है। 11th क्लास आपकी क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन वीडियो अभी भी आप प्रॉपरली नहीं देख रहे। बाद में ये क्लास में मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं, इसलिए थोड़ा ध्यान दे और अपनी वीडियो रेगुलरली देखते हुए अपने काम को पूरा करे। फेयर कॉपी जिस दिन क्लासेस लगेंगी उसी दिन मैं चेक करूंगा, ठीक है, ये याद रखना। धन्यवाद।